या प्रारब्ध है। ये जो प्रारब्ध पिछले हो गया है, जो हम कर चुके हैं, जिसका आज खा रहे हैं, हाँ जिसका आज खा रहे, वो प्रारब्ध है। अभी जो कर रहे हैं और जो संचित किए हुए हैं, तीन प्रकार के कर्म हैं, चार प्रकार के, हाँ चार तो जो भी कर रहे हैं वर्तमान, हाँ, एक फ्यूचर वाला, आगामी, आगामी जो आने वाला है, तो आगामी जो आने वाला है, जो आज आप कर रहे हैं उसके बेस उसका परिणाम होगा। अगर आज कोई व्यक्ति शुभ कार्य कर रहा है तो उसका रिजल्ट भी शुभ कार्य नहीं आएगा। अब रही प्रारब्ध की बात, जो हमें पिछले उससे प्राप्त हो चुका है, तो ज्ञान की अग्नि में कर्म भस्म हो जाते हैं। अब जो पिछला हमने कर लिया है, जो भी हमारे पास संचित कर्म है, उसके लिए ज्ञान का मार्ग ही है। कि ज्ञान के मार्ग में अब यहाँ कभी कभी बात आती है कि हमारे अपने पठन पाठन में अगर सतोगुण है, इसलिए हम अपने रामायण महाभारत गीता के इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अपने जो भी संचित कर्म है वो एक प्रकार की जब ज्ञान की अग्नि अपने को आई या उत्पन्न हुई उसमें वो नष्ट हो जाते हैं, उनको भूल जाते हैं। हाँ, उनको हमें बीज जो है ना, जो बीज अगर भुन जाता है, भुन दिया जाता है, फिर बीज का अंकुरण नहीं होता। तो अंकुरण से बचाने के लिए हम उसको ज्ञान की अग्नि में उसको भून देते हैं, और ज्ञान की अग्नि अपने उससे प्राप्त होती है, अपने जो पठन पाठन गीता रामायण महाभारत से और अपने योग साधना करने से। ये अपने कर्मों का सिद्धांत, जो भी अगर हमें प्राप्त हो गया है, अब उसको हमें प्रारब्ध नहीं बनाना है, आगे उसको नहीं ले जाना है, चाहे वो शुभ कर्म हो चाहे वो अशुभ कर्म, दोनों कर्मों को हमें नष्ट कर देना है। क्यों? किसी भी कर्म से हमें बचना है, ये है कर्म।